तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, मोशन और डिस्टेंसेज का मेजरमेंट। अब इसमें जो है हमें देखना है कि मोशन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, सम हैज गन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। कुछ लोग ट्रेन से गए, तो ट्रेन क्या होता है, कोई एक जगह, सपोज ये देहरादून, देहरादून डी है, यहाँ से हम लोग जो है कहाँ चले गए, लखनऊ चले गए, एल लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। तो देहरादून से लखनऊ हम लोग चले गए, तो हमने जो जब हम लोग गए तो हम लोग जाने में कुछ डिस्टेंस कवर किए, मान लो 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, ये डिस्टेंस था। तो हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, प्लस डिस्टेंस के साथ हमें टाइम भी लगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद किए वहां पहुंच गए 100 किलोमीटर, नहीं, 100 किलोमीटर जाने में टाइम लगा होगा ना, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, तो टाइम भी कुछ लगा, ये टाइम है। तो जहाँ डिस्टेंस और टाइम का कंसेप्ट आ जाए, डिस्टेंस और टाइम वाली बात आ जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का मतलब कि समझ लो तुम ही अगर अपने स्कूल के गेट से और अपने क्लासरूम तक गए तो तुमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस कवर करने में तुम्हें कुछ टाइम लगा, कुछ मिनट लगा, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोशन। तो जब बच्चे हॉलीडे में जा रहे थे, तो कुछ बच्चे जो है ट्रेन से जा रहे थे, कुछ बस से जा रहे थे, कुछ बुलेट कार से जा रहे थे, एक बच्चा जो है एरोप्लेन से भी गया, ठीक है। तो इस तरह जो है बच्चे ट्रेवल किए। अब ट्रेवल किए, बच्चों की कहानी बताने के पीछे क्या मकसद है, मोशन की, बच्चे मूव किए, मोशन किए, ठीक है। तो मोशन का अगर एक सेंटेंस में डिफिनेशन बताना हो तो क्या बताओगे, मोशन इज द डिस्टेंस कवर्ड, मोशन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन गिवेन टाइम, है ना। डिस्टेंस ये मैंने लिख दिया, डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवेन टाइम इज नोन एज मोशन, ये हमारा क्या है, मोशन है, ठीक है। अब स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है वो देख लेते हैं। लॉन्ग एगो पीपल, अगर पुराने समय की बात करो तो लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी, मतलब वो पैरों से चलते थे, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन तो नहीं था, अपने पीठ पर लेकर जाते थे। बाद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो एनिमल का सहारा लेने लगे, एनिमल्स के ऊपर बैठ के जाने लगे। फिर उसके बाद उनको ज्ञान मिला तो पानी में चलने लगे, बोट वगैरह का यूज करके, ठीक है। तो इस तरह लोगों ने ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। अब क्या है कि धीरे धीरे एनिमल्स का भी यूज करने लगे, जैसे कि जब पहिए का आविष्कार हुआ, पहले किसी को नहीं मालूम था पहिया, तो जब पहिया गोल गोल बनना शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि अरे यार कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि पहिया चलने लगे, पहिया चले, तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ व्यवस्था इस तरह कर दिया, एक और यहाँ पहिया लगा दिया, इस तरह एक और पहिया लगा दिया। अब देखा इन्होंने कि ये दोनों पहिया तो आराम से चल रहा है, जब चल रहा है तो इन्होंने सोचा कि इस पर बैठ के देखते हैं, तो इस पर ये लोग बैठ गए, कुछ सामान रख दिए, सामान कुछ रख दिए। तो इस तरह जो है ट्रांसपोर्ट डेवलप होते गया, इम्प्रूव होते गया। फिर धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स पे डिपेंड हो गए, बल्क कार्ट, है ना, कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, बोट, शिप बनने लगे। जब स्टीम इंजन बन गया तो रेलवे का भी विकास हो गया, स्टीम इंजन समझ रहे हो ना, मतलब स्टीम से चलने वाला, स्टीम से चलने वाला इंजन। तो ये है हमारा मोशन। तो यहाँ देखो मोशन का है, ये साइकिल है, एरोप्लेन, शिप, बुलेट कार, बस, ट्रेन, तो कैसे कैसे धीरे धीरे
आविष्कार होता गया। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की बारी आई, तो कार आए, ट्रक आए, बस आए, फिर मोटर से चलने वाले बोट और शिप या पहले शिप या मोटर जो है बोट, बोट जो है हाथ से चलते थे, शिप जो है स्टीम से चलते थे, लेकिन अब जो है इनमें भी मोटर वगैरह का यूज होने लगा। 19th century के आसपास एरोप्लेन का भी आविष्कार हो गया। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन तुम लोग देखते हो, मोनोरेल देखते हो, सुपरसोनिक एरोप्लेन देखते हो, मेट्रो देखते हो, स्पेस क्राफ्ट देखते हो, ये 20th century है ना। तो ये सारी मोशन की कहानी थी। अब जो है हाउ वाइड इज द डेस्क, यहाँ पर एक डेस्क दिया हुआ है, ठीक है। इस डेस्क को बुझो एंड पहेली को मेजर करना है। तो जो बुझो बुझो और पहेली थे उनको गिल्ली डंडा बहुत पसंद था। तो ये पहले दिन की कहानी है, डे वन, ये डे वन की कहानी है। तो बुझो और पहेली को गिल्ली डंडा बहुत पसंद था, तो उन्होंने गिल्ली डंडा लाया और गिल्ली डंडा से इस डेस्क को मेजर करना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि एक डंडा इधर हो गया, एक डंडा इधर हो गया और बीच में दो गिल्ली के बराबर इसकी डिस्टेंस है। अब एक हफ्ते बाद दोनों फिर से आए तो उनके हाथ में नई गिल्ली डंडा थी। डंडा तो वही था, गिल्ली चेंज हो गई थी। अब उससे उन्होंने मेजर किया तो देखा कि हाँ, इधर एक जो है डंडा आ रहा है, इधर भी एक डंडा आ रहा है जैसा कि पुराने में आ रहा था। एक गिल्ली यहाँ बड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ काफी कम जगह बच रहा है जिससे आधी ही गिल्ली आ पा रही है। डेस्क तो वही है, डेस्क तो सेम है, लेकिन इनका मेजरमेंट चेंज हो गया। तो इस तरह गिल्ली डंडा से या किसी भी चीज से मेजर करना, क्या ये स्टैंडर्ड मेथड है, क्या ये सही मेथड है? तो ये सही मेथड तो नहीं है, है ना। किसी चीज को मेजर करना है तो कैसे करेंगे? मान लो सपोज करो कि हमको मेजर करना है, तो क्या हम अपने हाथ से मेजर कर लेंगे? हाथ से मेजर करेंगे तो हम, कोई बच्चा कहेगा कि ये दो हाथ के बराबर है, कोई बड़ा बच्चा कहेगा तो कहेगा नहीं नहीं ये तो डेढ़ हाथ ही है, ये तो दो हाथ नहीं है। कोई छोटा बच्चा होगा तो वो कहेगा नहीं नहीं ये तो तीन हाथ के बराबर है, है ना। तो ये तरीका नहीं है। तो इसके लिए जो है हम लोग मेजरमेंट हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखो मोशन हमने पढ़ा, मोशन में क्या है कि डिस्टेंस का कंसेप्ट है। मतलब डिस्टेंस सपोज करो ये ए है, ये बी है, यहाँ से हमें यहाँ आना है, तो ये डिस्टेंस सपोज करो ये 100 meters है। तो यहाँ से वहाँ जब आओगे, पैदल ही आओगे, तो टाइम तो लगेगा ना, 10 seconds, 20 seconds, 50 seconds, 100 seconds टाइम तो लगेगा। तो हमने, मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्टेंस बाई टाइम, ये हमारा मोशन है। तो इसमें डिस्टेंस तो आ रहा है, तो डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे? सपोज करो ये टेबल है, तो ये जो लाइन है ये भी डिस्टेंस है, ये जो टेबल है यहां से यहां ये भी डिस्टेंस है, जम्मू से कन्याकुमारी भी डिस्टेंस है, देहरादून से दिल्ली भी डिस्टेंस है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे? तो उसी के बारे में हम लोग जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे।